आइडियोलॉजी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने से आइडियोलॉजी कभी प्रस्तावित भी नहीं होगी। आज मैं जब यहां आया हूं, डीयू में आया हूं, तब मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हिंसा और वैचारिक लड़ाई, इसका रणक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी से ही इमर्ज होती है। युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दे। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा, हम क्यों चिंता करें। एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें, समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो ही बाहर आएगा। और मैं आज इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि कोहिनूर को कोई 10,000 फुट नीचे भी दफना दे, कभी ना कभी वो अपने मूल स्वरूप में दैदीप्यमान होकर बाहर। आइडियोलॉजी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने से आइडियोलॉजी कभी प्रस्तावित भी नहीं होगी। ना हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते, ना इसकी स्वीकृति ला सकते। विचार और विमर्श से ही स्वीकृति आती है, विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी आगे बढ़ती है, और विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी युगो युगो तक चलती है। और ये हमारा रास्ता है। इस देश के अंदर नालंदा हो या तक्षशिला हो, तोड़ने वाले चले गए उनको कोई याद नहीं करता। कहते हैं जब नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया 6 महीने तक धुआं उठता था। ठीक है, उनको त्वरित संतोष मिल गया होगा, मगर जिस विचार को वो जलाना चाहते हैं वो आज भी अक्षुण है और अपनी जगह पे गौरव के साथ। इसलिए आइडियोलॉजी के लिए वैचारिक लड़ाई की जगह यूनिवर्सिटीज नहीं बननी चाहिए, विचार विमर्श की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अपने सिद्धांतों को लिए विचार विमर्श के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए, और देश के निर्माण के लिए भी अपनी आइडियोलॉजी को स्वीकृति दिलाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आइडियोलॉजी संघर्ष का रास्ता बनती है तो वो आइडियोलॉजी ही नहीं है, और कम से कम इस देश की आइडियोलॉजी तो नहीं है। मित्रों, बहुत सारे युवा बैठे हैं, आज देश में एक नए प्रकार का विचार चल पड़ा है, अधिकारों की लड़ाई का। ठीक है, संविधान ने हमें सबको अधिकार दिए हैं, परंतु अधिकार के साथ साथ दायित्व का भी संविधान ने उल्लेख किया है, और कोई ऐसा अधिकार नहीं होता जो दायित्व निभाए बगैर हमने मांगना चाहिए। युवाओं को देश के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, समाज के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, गरीबों के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, इसका भी सदैव विचार करना चाहिए। एक नया विचार इस देश में कुछ सालों से चल रहा है, अधिकारों की मांग को सबसे ज्यादा ताकतवान करना, इसके आधार पर असंतोष खड़ा करना, असंतोष को संगठित कर एक प्रकार की नई अव्यवस्था खड़ी। मैं युवाओं को कहता हूं, थोड़ा कम अधिकार मिलेगा तो कुछ नहीं जाएगा, अगर ज्यादा दायित्व का चिंता करेंगे तो किसी के अधिकार की अपने आप हम चिंता कर लेंगे। हम जब अपने दायित्व की चिंता करते हैं तो इसके साथ ही किसी के अधिकार की रक्षा करते हैं, और इन अधिकारों की मांग के आधार पर हिंसा फैलाना हमारी विचारधारा नहीं है, इस देश का विचार नहीं है। ये देश हमेशा से अपने दायित्व के लिए भी सदैव जागरूक रहा है। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मगर उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर उसके रास्ते पर हम नहीं जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हम देश का भला नहीं करेंगे। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब इस संगोष्ठी की शुरुआत हो रही है 3 दिन की, और स्वराज से नव भारत तक की कल्पना और एक विचार का पुनरावलोकन, मुझे लगता है इसके लिए बहुत सही समय है। बहुत समय हमने गवाया है, अब ज्यादा समय गवाने की जरूरत नहीं है। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, अनेक प्रकार के लोगों ने विचार का मंथन करना चाहिए, और मंथन से जो अमृत निकलेगा वो मुझे भरोसा है कि
कि अमृत काल के अंदर वो अमृत भारत को सर्वोच्च बनाने के लिए जरूर काम आएगा। और हम सब शायद वो भाग्यशाली लोगों के में से है जो 1200 साल से इस देश के लोग देखना चाहते थे कि देश ऐसा हो, वो कल्पना पूरी नहीं हो पाती थी। हम सब शायद ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, अपने जीवन काल में ही महान भारत को देखने के लिए हम भाग्यशाली होंगे। मैं फिर से युवाओं को इस संघर्ष का रास्ता छोड़कर, अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर, दायित्व के रास्ते पर जाने के लिए अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।